दोस्तों, आज हम पहली बार अपने चैनल पे कोई 5G फोन अनबॉक्स करेंगे जो कि आता है Realme की तरफ से, Realme 9 5G। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। दोस्तों, जो मैंने ये वेरिएंट लिया है, ये 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला। दोस्तों, इसमें ये इसकी यूजर मैनुअल आती है और एक इसका एक केस आता है जो कि बढ़िया ठीक ठाक क्वालिटी का है, ये आप देख सकते हो। दोस्तों, ये इसका फोन है, ये हम बाद में देखेंगे। दोस्तों, ये इसका चार्जर है जो कि आता है 18 वॉट का, इसको भी हम रख देते साइड में। और ये इसकी केबल है जो कि टाइप सी टू टाइप ए है, इस सब को हम साइड में रख देते। बात करते हैं अपने फ़ोन की। दोस्तों, ये फ़ोन ऐसे पन्नी में आता है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक। तो दोस्तों, देख रहे हो आप, ये मैंने ब्लू कलर का लिया है। दोस्तों, इसके बिल्ट इन डिज़ाइन की बात करूँ तो ये पीछे देख रहे हो आप, ये सब प्लास्टिक है। दोस्तों, इसमें तीन कैमरे दिए गए दोस्तों, एक फ्लैश के साथ में, और इसका मेन कैमरा जो है वो है 48 मेगापिक्सल का। दोस्तों, इसमें ये साइड में इसके पावर लॉक अनलॉक बटन दिया गया है और यही इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। ऊपर इसमें कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। साइड में इसकी दोस्तों ये इसमें सिम ट्रे दी गई है और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन दिया गया है। दोस्तों, इसमें 3.5mm का जैक भी मिलता है, इसमें ये माइक है, और दोस्तों इसमें ये टाइप सी इसका पोर्ट मिलता है और ये इसका स्पीकर दिया गया है। दोस्तों, इसकी सिम ट्रे निकाल के देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। तो चलिए इस फोन को ऑन करते हैं। दोस्तों, फोन ऑन करते ही रियलमी लिखा हुआ आ जाता है एंड्रॉइड। दोस्तों, पहले बात करें इसके डिस्प्ले की, तो वो मिलते हैं 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले जो कि दोस्तों ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। दोस्तों, इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस है 480 निट्स की, और अगर आप कोई HDR में कंटेंट देखते हो तो वो 600 निट तक जाती है। दोस्तों, बात करें इसके प्रोसेसर की, तो वो मिलता है MediaTek का Dimensity 810 प्रोसेसर जो कि 6 nm का है, और दोस्तों ये प्रोसेसर 5G प्रोसेसर है। दोस्तों, ये Android 11 पे चलता है और इसमें Realme का UI 2.0 है। दोस्तों, बात करें इसके बैटरी की, तो मिलती है 5000 mAh की बैटरी जो कि आती है 18 वॉट के चार्जर के साथ में। दोस्तों, बात करते हैं इनके कैमरों की, जो दोस्तों इसमें कैमरे जो दिए गए हैं वो है AAA कैमरा सेटअप, जिसका मेन कैमरा है दोस्तों वो है 48 मेगापिक्सल का जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में वाइड कैमरा। दूसरे दोस्तों दो मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए हैं जो कि आते हैं दोनों ही f1.4 अपर्चर के साथ में। दोस्तों, ये कैमरे 1080p 30fps पे शूट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि आता है f2.1 अपर्चर के साथ में वाइड कैमरा। दोस्तों, ये कैमरा भी 1080p 30fps पे शूट कर सकता है। दोस्तों, इसमें दो स्टोरेज और रैम वेरिएंट दिए गए। जो पहला आता है दोस्तों वो आता है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ में। दूसरा आता है दोस्तों 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में। दोस्तों, इनमें जो रैम दी गई है वो है UFS 2.0। दोस्तों, बात करते हैं इस फोन के कनेक्टिविटी की, तो इसमें ब्लूटूथ मिलती है 5.1, इसमें वाईफाई मिलता है 5, और दोस्तों इसमें NFC नहीं मिलती है, और जो इसका USB टाइप सी वेरिएंट है वो है दोस्तों 2.0। करें इसके प्राइस की और ये आपको लेना चाहिए या नहीं, तो इस टाइम इसका प्राइस दोस्तों अमेजोन पे दिखा रहा है 15,990 रुपये। दोस्तों, ये 5G स्मार्टफोन है जो कि Realme की तरफ से आता है, और इसका कैमरा भी मैंने टेस्ट करके देखा, सब कुछ ये काफ़ी अच्छा लगा, और आपको फुल रिव्यू आपको एक दो दिन में इसकी पूरी आने वाली है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।